अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरी जोन में एक दफा फिर खुश आमदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आपको हमारे चैनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो दोस्त अहबाब जिनको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे चैनल से इस्तफादा हासिल करें। घर की तामीर के वक़्त ये भी सोचना पड़ता है कि कहाँ कहाँ और कौन सी टाइल जो हैं उसको लगाया जाए। अमूमन घर का फर्श टाइल से बना दिया जाता है, लेकिन अगर घर में मार्बल की टाइल्स ना भी लगी हों तो बाथरूम और किचन में मार्बल का इस्तेमाल जो है वो आम किया जाता है, क्योंकि मार्बल बआसानी साफ़ हो जाता है और नफासत को जाहिर करता है। इसलिए हर आदमी की कोशिश होती है कि वो अपने घर के अंदर मार्बल का इस्तेमाल करे। आम तौर पर मार्बल की जो ज़िंदगी होती है वो 50 से 80 साल तक होती है, या आप लोग कह सकते हैं इससे भी ज़्यादा इसकी ज़िंदगी होती है। तो लोग एक ही दफ़ा ख़र्चा करना चाहते हैं और अपने घर को खूबसूरत जो है वो बनाना चाहते हैं। मार्बल की बहुत सी अकसाम है। आज आपको फैक्ट्री के अंदर मुकम्मल विज़िट करवाया जाएगा कि फैक्ट्री के अंदर मार्बल किस तरह तैयार किया जाता है और फैक्ट्री के अंदर किस तरह माल जो है उसकी कटिंग की जाती है। सबसे पहले मार्बल की अकसाम के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे कि अगर आप लोग मार्बल बाय करना चाहते हैं तो उसका क्या रेट जो है वो आपको लगेगा और आप लोग किस तरह से उसको खरीद सकते हैं या अपने घर के अंदर लगवा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर मार्बल की अकसाम। घर बनाते वक्त मार्केट में मार्बल टाइल्स का एक बहुत ही अच्छा मटेरियल जो होता है वो दस्तयाब होता है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है दर्जा अव्वल का मार्बल। आला मियारी मार्बल टाइल्स बेहतरीन प्रोसेसिंग मियार है जो टूट फूट और सुराखों से बिल्कुल पाक होता है, यानी कि इसके अंदर सुराख नहीं होते और यह टूट फूट का शिकार नहीं होता, इसलिए इसको दर्जा अव्वल का नाम जो है वो दिया जाता है या एक ग्रेड का नाम जो है वो दिया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है बी ग्रेड या दर्जा दोम। ये भी दर्जा अव्वल की तरह है लेकिन मेयार में थोड़ा कम है। इसमें मौजूद सुराखों को सफ़ेदे या गीलू से भर दिया जाता है, इसलिए इसको बी ग्रेड या दर्जा दोम कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है दर्जा सोम या सी ग्रेड। प्रोसेसिंग के मियार में ये निचले दर्जे का मार्बल है, इसमें कच्चापन होता है और ये जल्दी झड़ सकता है, इसलिए आप लोगों ने अपने घर के लिए दर्जा सोम या सी क्लास का जो मार्बल है वो आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद चौथा नंबर आता है डी ग्रेड का, यानी कि दर्जा चहारम। इसकी खसूसियात दर्जा सोम की तरह होती हैं, यानी कि इसके अंदर सुराख होते हैं, इसके अंदर कच्चा पन होता है, लेकिन इसके अंदर कुदरती खामियां जो होती हैं वो भी होती हैं, जिससे प्रोसेसिंग का जो मेयार होता है वो बिल्कुल कम होकर रह जाता है। लेकिन ये बहुत सारे रंगों में दस्तयाब होता है, लेकिन इसकी जनाब जो क्वालिटी होती है, यानी कि आप लोग इसकी मजबूती जो कह लें वो बिल्कुल कम होती है। तो ये चार किस्म के मार्बल जो है इस वक्त मार्केट के अंदर दस्तयाब हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। आम मार्बल इस वक्त मार्केट में 32 रुपये से 200 रुपये फ़ी मुरबा फुट तक मौजूद है, यानी कि 32 रुपये फ़ी मुरबा फुट से लेकर 200 रुपये फ़ी मुरबा मुट तक आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। मार्बल लगाने की मजदूरी और रगड़ाई करीबन इस वक्त 25 से 30 रुपये बमा पालस जो है वो चल रही है। तो मार्बल लगाने से पहले कच्चा करना पड़ता है और तकरीबन 8 से 10 रुपए फी फुट में वो हो जाता है, यानी कि अगर आप लोगों ने मार्बल लगाना है तो सबसे पहले आप लोगों को फर्श को कच्चा करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने घर के अंदर मार्बल लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को अब ये बात जहन में रखनी चाहिए कि 32 रुपये मार्बल जो है वो आपको मिलेगा शॉप से, 30 रुपये मजदूरी बमा रगड़ाई और पॉलिश के, 10 रुपये पीसीसी
की मजदूरी और 40 रुपए फी मरबा फुट मटेरियल। तो आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप लोग अपने घर के अंदर मार्बल लगवाना चाहते हैं तो आपको 112 रुपए फी मरबा फुट के हिसाब से मार्बल जो है वो आम आपको मिलेगा और आपके घर के अंदर लग जाएगा। और अगर कच्चा या सादा फर्श पहले से लगा हुआ है और सिर्फ आप लोगों ने ऊपर मार्बल लगवाना है तो फिर आपका खर्चा होगा 32 रुपए का मार्बल फी मरबा फुट, 30 रुपए मजदूरी बीमार रगड़ाई और पॉलिश, और 10 रुपए का जनाब मटेरियल रेत और सीमेंट वगैरह, यानी कि कुल आपको 72 रुपीज़ फी मरबा फुट के हिसाब से मुकम्मल जनाब मार्बल जो है वो पड़ेगा। तो इस वक्त आप लोग फैक्ट्री भी देख रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देखने को मिलती हैं अगर फैक्ट्री का विज़िट जो है वो करवाया जाए। तो इस वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि अगर आप लोग मार्बल लगाना चाहते हैं तो मार्बल की कौन कौन सी अकसाम है और इसकी कीमत जो है इस मार्केट के अंदर क्या चल रही है। हमारा काम है आपको अच्छे से अच्छा मशवरा प्रोवाइड करना ताकि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी काम आप लोगों ने करवाना है तो उससे आप लोगों को बेनिफिट हासिल हो ना कि नुकसान हासिल हो। तो लाहौरी जोन के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह इस किस्म की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। Thank you.